जदों पंजाब दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी का खालसा राज सी ते उदों पंजाब दे विच एक ऐसी फौज की टुकड़ी सी जिन्हों महाराजा रणजीत सिंह जी खुद झुक के सलाम करते सी। खैर अज की अपनी इस वीडियो दे विच असीं उन्हां दे बारे जानांगे, पहलों वीडियो देख लैंदे आं फिर करदे आं गलबात। उस तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिन्हां ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया काइंडली वीडियो चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ और बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर दिओ। वीडियो शुरू करदे आं, गो। अंग्रेजां ने सोचिया कि सारा पंजाब महाराजे अगे झुकदा है और वह केड़ी फौज है जिस अगे महाराजा रणजीत सिंह भी सीस झुकाउंदा है। अकाली फूला सिंह ने महाराजे नूं कहा कि हुण खालसा जंग विच जाण लई अरदास कर चुका है, हुण पिछे हटण दा तां सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। वह मैदाने जंग विच गए अते घंटियां विच ही धरती नूं अफगानां दे खून नाल रंग के मैदान फतेह करके वापस आ गए। अंग्रेज अफसर ने अपनी आर्मी नूं कहा सी कि जथेदारां दी अकाल फौज आ रही है, जिसने भजना भज जाओ, फिर ना कहो सानू मौका नहीं मिलिया। जे पटियाले दा राजा उस दिन सिंघां नाल गद्दारी ना करता तां अज पंजाब दा इतिहास कुछ होर होना सी। अज गल करांगे अकाल फौज ते बुढ़ा दल दे मुखी शहीद जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी दी। सदा जय जयकार हो। दोस्तों, पंजाब दे सब तो बड़े महाराजे महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां दी फौज स्पैशल अंग्रेज अफसर अते आधुनिक हथियारां नाल लैस सी, उस बारे तो हर कोई जानदा है, पर पंजाब विच इक अजिही फौज भी सी जिस नूं महाराजा खुद झुक के सलाम करता सी। मतलब कि वह फौज सिर्फ अकाल पुरख नूं ही अपना गुरु मानदी सी। वह फौज सी अकाल फौज जिसने किसी दे भी अधीन आउण तों मना कर दिता सी। अकाल फौज दे मुखी सन अकाली फूला सिंह जी, जिन्हां उत्ते परमात्मा तों बिना किसी होर दा हुक्म नहीं सी चलदा, जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह नूं भी कौड़ियां दी सजा ला दित्ती सी। कहिंदे ने जदों महाराजा रणजीत सिंह ने बाहरले मुल्क तों ट्रेंड अफसर अपनी फौज विच भर्ती कीते जिन्हां दा मकसद पंजाब दी आर्मी नूं होर शक्तिशाली अते डिसिप्लिनड बनाउणा सी, उस समय अकाल फौज ने अंग्रेज अफसरां अधीन ट्रेनिंग लैण तों मना कर दिता अते अंग्रेजां वांग वर्दी पाउण तों भी मना कर दिता सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी कि साडे तों लैफ्ट राइट लैफ्ट वाला काम नहीं होना, क्योंकि अकाल फौज सिर्फ अकाल दी फौज है अते अकाल दे अधीन ही अकाल पुरख दा हुक्म मन्नेगी। अकाल फौज दे मुखी जथेदार अकाली फूला सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह नूं कहा सी कि ना तां सानूं किसी खास वर्दी दी लोड़ है अते ना ही आधुनिक हथियारां अते ट्रेनिंग दी, तुसीं सानूं बस इह दस दिओ वी जंग कदों किथे अते किस नाल लड़नी है, बाकी असीं जाणीए ते साडा कम जाणे। इह करदे वी इदां ही सन, जयकारियां दी गूंज नाल मैदाने जंग विच जांदे अते घंटियां विच ही दुश्मना दे सिर धड़ नालों अलग करके मैदान फतेह करके वापस आ जांदे। काली फूला सिंह दा रुतबा इस गल तों पता चलदा है, एक बार जदों अफगाना नाल लड़ाई दौरान महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हां नूं जंग जाण तों रोकिया ते कहा कि अफगाना दी फौज दी गिणती बहुत वड्डी है, तुसीं थोड़ा समां इंतजार करो क्योंकि इस जंग विच अपनी फौज घट होण करके हार हो सकदी है। तां अकाली फूला सिंह ने कहा सी कि हुण खालसा जंग विच जाण दी अरदास कर चुका है, हुण असीं रुक नहीं सकदे, जित हार हुण सिर्फ अकाल पुरख दे हत्थ है। उस लड़ाई विच अकाल फौज ने अजिहे जौहर दिखाए कि अफगाना दी फौज नूं भज्जण लई मजबूर कर दिता सी। ते फिर नौशहरे दी जंग विच जथेदार काली फूला सिंह जी शहीदी पा गए। उन्हां दी शहीदी तों बाद अकाल फौज दे अगले मुखी बने सन जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी। हुण अंग्रेज इह सारियां गल्लां नोट कर रहे सन कि उह किहड़ी फौज है जिस अगे पंजाब दा महाराजा वी झुकदा है, क्योंकि सारा पंजाब महाराजे अगे झुकदा सी ते अंग्रेजां लई इह बहुत वड्डी गल सी। पर महाराजा खुद अकाल रेजीमेंट जानी के अकाल फौज अगे सीस झुकाउंदा सी ते फिर जदों मैटकाफ सतलुज दी संधि संबंधी महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण आ रहा सी तां अकाली नहंगा ने अंग्रेज मैटकाफ ते हमला कर दिता। उथों ही अंग्रेजां ने किताबां विच अकाल फौज विरुद्ध लिखणा शुरू कर दिता सी, क्योंकि अंग्रेजां नूं भी पता सी कि अकाल फौज दे हुंदे होए ओह पंजाब ते कब्जा नहीं कर सकदे। पंजाब दे महाराजे महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तों बाद अंग्रेजां ने पंजाब विरुद्ध मोर्चा खोल दिता सी अते मुद्दगी दी पहली लड़ाई दी तैयारी शुरू कर दिती सी। उत्थे फिर महाराणी जिंदा ने दो चिट्ठियां लिखियां सन, एक शाम सिंह अटारी वाला नूं
ते दूजी चिट्ठी लिखी सी जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी नूं। कहिंदे ने मुद्दगी दी लड़ाई विच सिंघां ने अंग्रेजां दा बहुत बड़ा नुकसान कर दित्ता सी। शाम सिंह अटारी वाला अपनी फौज नाल पहुंच गया अते ओ बहुत बहादुरी अते जज्बे नाल लड़े ते उधरों जदों अंग्रेजां नूं पता लगा कि जथेदार बाबा हनुमान सिंह जिन्हां दी उम्र उस समय 90 साल सी अपनी अकाल फौज नाल आ रहे हन तां अंग्रेजां दे लीडर टुंडी लाठ ने अपनी फौज नूं कहा सी कि अकाल फौज आ रही है, जिसने भजना है हुण भज जाओ, नहीं तो इन्होंने किसी नूं भजण दा मौका नहीं देना। क्योंकि अकाल फौज बारे मशहूर सी कि कसाई भी बकरा बढ़न लगा तरस कर सकता है, पर अकाल फौज कोलों दुश्मन किसी तरस की उम्मीद ना रखण। उस जंग विच बहुत सारे अंग्रेज भज निकले क्योंकि उन्हां नूं अकाल फौज दा पता सी, ते जिहड़े रह गए जां कह सकदे आं जिन्हां नूं मौका ही नहीं मिलिया, उन्हां नूं जथेदार बाबा हनुमान सिंह दी अकाल फौज ने बहुत बुरे तरीके नाल वड्या टुक्या। बाबा हनुमान सिंह ने फिर अंग्रेजां दे सेनापति टुंडी लाट नूं जंग दे मैदान विचों भजाया। ते हुण गल करदे आं उस टर्निंग पॉइंट दी जिसने पंजाब दा इतिहास ही बदल के रख दिता। मुद्दकी दी लड़ाई विच जदों जथेदार हनुमान सिंह जी नूं इह पता लगा कि हुण मुद्दकी दी लड़ाई उन्हां दे काबू विच आ गई है, मतलब कि उन्हां दी जित नजदीक है, तां ओह अपने 2000 सैनिकां नाल पटियाले विखे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे आ गए। क्योंकि ओह दुख निवारण साहिब उस समय नहंगां दा इक गढ़ हुंदा सी, जां कह सकदे हां नहंगां दा इक ठहराव दा केंद्र हुंदा सी, जिसनूं नहंगां दा टोभा भी कहा जांदा सी। ते फिर इत्थों बदलिया सिख इतिहास। पटियाले दा राजा करम सिंह जो कि अंग्रेजां दा पिट्ठू सी, उसने अंग्रेजां नूं खबर दे दित्ती अते अंग्रेज वड्डियां तोपां अते फौजां नाल आके गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब नूं घेरा पा लैंदे ने अते जंग तों बाद थक्के टुट्टे प्रशादा तैयार कर रहे सिंघां ते हमला कर दिंदे ने अते इस गद्दार कारण पांदे गोलियां अते हमले कारण 1500 दे करीब सिंघ पटियाले दी धरती जानी कि गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे शहीद हो गए। इस तों बाद जथेदार हनुमान सिंह अपने बाकी बचे 500 सैनिकां नाल कड़ाम पिंड पहुंचदे हन अते उत्थे भी उन्हां दा अंग्रेजां नाल इक घमासान युद्ध हुंदा है अते इसे युद्ध दौरान बाबा हनुमान सिंह जी अंग्रेजां वल्लों दागे गोले नाल जख्मी हो जांदे हन। पर इतिहासकार लिखदे ने फिर भी बाबा जी ने जंग जारी रखी अते राजपुरा तों हुंदे होए मोहाली दे पिंड सुहाणा साहिब विखे आ गए, जिथे अज कल गुरुद्वारा सिंघां शहीदां सुशोभित है। उत्थे पहुंचदे ही बाबा हनुमान सिंह जी शहीद होए अते नाल ही 500 सिंह भी शहीद हो गए। बाबा हनुमान सिंह अते 500 सिंघां दा संस्कार गुरुद्वारा सिंघां शहीदां सुहाणा साहिब विखे कीता गया। दोस्तो, बेशक इतिहासकारां वल्लों अंग्रेजां नाल पहली लड़ाई लड़न वालियां विच झांसी दी राणी जां टीपू सुल्तान दा नाम लिया जांदा है, पर असल गल तां इह है कि अंग्रेजां विरुद्ध पहली लड़ाई लड़न वाले सन जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी, जो कि 90 साल की उम्र विच एक नौजवान वांग लड़े अते शहीद हो गए। सो साडी तां अज दे नौजवानां नूं इही बेनती है कि तुसीं सिंगरां दे घर मोहाली दे होमलैंड सामने दा बहुत तस्वीरां खिचाउंदे हो ते सोशल मीडिया ते शेयर करदे हो, पर होमलैंड दे सामने बने इतिहासिक गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाणा साहिब च जाके भी जरूर दर्शन करिया करो अते उन्हां सूरमियां नूं नमस्कार करके आया करो जिन्हां ने साडी कौम दी खातर अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। धन्नवाद। महाराजा रणजीत सिंह जी दा राज यानी कि खालसा राज, खालसा राज दे विच पूरा पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दे अगे झुकदा सी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जी अकाल फौज नूं झुक के सलाम करदे सी। इत्थों तिकर के अकाल फौज ने महाराजा रणजीत सिंह जी नूं कौड़ियां दी सजा दित्ती। देखो जी किड्डी बहादुर कौम है, अकाल फौज किसे दा भी हुक्म नहीं सी मानदी, इत्थों तक के महाराजा रणजीत सिंह जी दा भी हुक्म नहीं सी मानदी। उन्हां दा कहना सी कि साडी फौज अकाल पुरख की फौज है, तो असी अकाल पुरख का ही हुक्म मन्नांगे और किसी का भी हुक्म नहीं मन्नांगे। जदों अंग्रेजा ने तरबीयत देने वास्ते पंजाब दे विच आए तो उन्होंने आख्या कि वर्दियां पाओ, तो अकाल फौज ने वर्दियां पाउन तो इनकार कर दिता। उन्होंने आख्या कि सिर्फ सानू तुसी इन्ना दसना, ना असी तुहाडे को ट्रेनिंग लैनी है, ना असी वर्दियां पाउनियां, सिर्फ तुसी सानू इन्ना दसना कि लड़ना किंदे नाल है, तो फिर देखो की बनता है, तो किस तरह उन्होंने अंग्रेज फौज के छक्के छुड़ा दिते, ते किस तरह अंग्रेज फौज उन्हां कोलों डर के भज गई, ये सारा कुछ ऐसी वीडियो दे विच सुनिया। ते देखो जी अकाल फौज किन्नी बहादुर फौज सी, मैनू अकाल दा मीनिंग नहीं पता, अगर किसी नूं अकाल दा मीनिंग पता है तो वह लाजमी मेरे नाल इनफॉर्मेशन शेयर करे। जो अजकल पंजाब दे हालात है
ते बाबा हनुमान जी वर्गे बहादुर की जरूरत है, सानू इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर खालसा राज चाहते हैं पंजाब दे विच, ते सानू इकट्ठे होने की जरूरत है, एक यूनिटी होने की जरूरत है। साडे विच सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, लैक ऑफ यूनिटी। सानू भी एक अकाल फौजी वर्गी एक फौज की जरूरत है, जिहड़ी डट के लड़े, किसी को ना डरे, किसी का हुक्म ना मने, सिर्फ अकाल पुरख का जिहड़ा हुक्म मने। तो वीडियो देख के मैनू बहुत वधिया लगा, बहुत चंगा लगा कि किड्डी बहादुर फौज सी, और माण महसूस हो रहा मैनू पंजाबी होण ते, और अकाल फौज के उत्ते भी मैनू माण महसूस हो रहा। तो जो मैं वीडियो सुन रहा सी, यकीन मानो एक जोश आ रहा सी, एक जज्बा आ रहा सी कि एडी बहादुर फौज, एडी नडर फौज, कि अंग्रेजा कोलों भी उन्होंने ट्रेनिंग लैना जिहड़ा गुवारा नहीं किया। उन्होंने आख्या कि असी खुद इन्ने बहादुर हैं, साडे कोल खुद इन्नियां सलाहियत हैं कि सिर्फ सानू तुसीं दसना कि किहड़े इलाके दे विच जाके जंग कर ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।